तो हम लोग बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स बायो मोलिक्यूल्स बायो मोलिक्यूल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉन्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं एटम्स एलिमेंट्स उनका आपस में इंट्रक्शन मोलिक्यूल्स का बनना और हमने ये भी देखा था कि जब हम लोग हिरारकी चेक करते हैं ऑर्डर्स की तो हमने पाया था कि एटम जुड़ कर के मोलिक्यूल बनते हैं मोलिक्यूल जुड़ कर के माइक्रो मोलिक्यूल एंड सॉन तो अब हम लोग सही मायने में मैक्रो मोलिकुलर असेंबलीस की बात कर रहे हैं और उन्हीं के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझने वाले हैं लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि जब हम लोग मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो मोलिक्यूल केमिकली बहुत तरह के हैं और उनके नेचर को डिफाइन करने के लिए उनके पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग उनके ग्रुप्स को नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल ओ एच ग्रुप को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलेंगे सी डबल बोन लोग कार्बोनिल और सेम ऐसे ही जिन ग्रुप्स को आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना चाहिए वो है अमीनो सल्फाइड्रिल हाइड्रोक्सिल करना तो सारों कुछ ही है सबसे पहला पार्ट जो मॉलिक्यूल्स में आता है वो है कारल्टी ये कमाल की चीज़ है प्रकृति में पाए जाने वाली कारल कंपाउंड्स आर कैटोराइज बाय देयर इफेक्ट ऑन पोलराइजिंग लाइट देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल किसी ऐसे जगह पर रखा हुआ है जहां से कोई पोलराइज लाइट गुजर रही है पोलराइज लाइट का मतलब ये होता है जिससे हमने एक डायरेक्शन दे रखी है और जिसमें पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लाइट है मिक्सड लाइट नहीं है अगर ये इस लाइट को डिफ्लेक्ट कर सकता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हम इस पर्टिकुलर मोलिक्यूल को कायरल कहने वाले हैं कायरल कंपाउंड पोलराइज लाइट जो होती है वो उसका एक सिंगल ही प्लेन होता है एंड कायरल मॉलिक्यूल्स रोटेट दिस प्लेन आयदर टू द राइट अगर आप राइट right की तरफ उसको रोटेट करते हुए देख रहे हो जैसे कि इस डायग्राम में मैं कहूं यह है राइट right, अगर आप इस तरफ खड़े हुए तो और यह है लेफ्ट तो राइट right को लैटिन में डेक्ट्रो कहा जाता है या फिर लेफ्ट की तरफ लाइट डिफ्लेक्ट होगी जिसे लैटिन में लिवो कहते हैं लिविंग टू प्रोड्यूस ओनली अ सिंगल ऑफ द टू पॉसिबल फॉर्म्स लिविंग सिस्टम्स के अंदर जब हम लोग केमिकल्स को प्रोड्यूस होते हुए देखते हैं तो ये इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई केमिकल ऐसा है जो दो डिफरेंट तरह की आइजोमेरिज्म दिखा सकता है डेक्स्ट्रो या लीवो उनमें से किसी एक ही फॉर्म को ऑर्गेनिज्म बनाना प्रिफर करता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर्स की बात करूं तो जात्र ऑर्गेनिज्म डी फॉर्म वाले शुगर बनाते हैं और अमीनो जीड केस में जात्र ऑर्गेनिज्म एल फॉर्म वाले फॉर्म्स बनाते हैं यह अपने आप में एक बड़ा टिडा क्वेश्चन है कि वाई ऐसा क्यों नहीं है कि ऑर्गेनिज्म डी और एल दोनों बनाए इसका तो आंसर है हमारे पास कि ऑर्गेनिज्म डी और एल दोनों बनाएगा तो ये टोटली वेस्टेज ऑफ एनर्जी है जो एंजाइम डी फॉर्म को पकड़ता है वो एंजाइम एल फॉर्म को नहीं पकड़ सकता तो अगर मैं दो एंजाइम बनाऊं एक ही काम करने के लिए तो मैं एक एक ही काम करने के लिए दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बना रहा हूं और ये टोटली वेस्टेज ऑफ एनर्जी है प्रोटीन सिंथेसिस वन ऑफ़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस में से एक है तो हमें यह तो पता है कि दोनों में से कोई सी एक क्यों लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है कि एल ही क्यों अम्यूनो एसिड में डी क्यों नहीं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स में डी ही क्यों एल क्यों नहीं जितने मुंह उतनी बातें हैं इसके जवाब को लेकर के लेकिन एक भी हमारे पास परफेक्ट आंसर नहीं है इसको लेकर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड आइसोमर। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ सी सिक्स एच जब हम किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के हम उनके नंबर अरेंज करें और उसका एक फार्मूला तैयार करें कि टोटल कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में विदाउट एनी स्ट्रक्चर तो इसे हम लोग एम्प्रिकल फार्मूला कहते हैं अगर किसी एम्प्रिकल फार्मूला मतलब जो जैसे छह कार्बन बारह हाइड्रोजन और छ ऑक्सीजन के आइटम्स आपस में जुड़ करके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चुरल आइजोमर्स जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को लूँ तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही सी सिक्स एस ओ सिक्स है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है इन डीड इनके फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है तो स्ट्रक्चरल आइजोमर्स कैन बी फंक्शनल आइजोमर्स अगर उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं एक में कीटोनिक ग्रुप है एक में, में एल्कोहलिक ग्रुप इसके अलावा एक आइजोमर्स की फॉर्म और भी होती है जिसे हम स्टीडो आइजोमर्स बोलते हैं ये एक अम्ब्रेला टर्म है अम्ब्रेला टर्म जर्नली किसी ऐसी टर्म को कहा जाता है जिसके अंदर और काफी सारे टर्म समा जाए तो स्टीडियो एजोम एक बड़ा क्लस्टर है इसमें कार्बन का स्केलेटल सिस्टम सेम है लेकिन जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उन ग्रुप्स का अटैचमेंट स्केलेटल सिस्टम पर वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि छह कार्बन के मोलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा इसमें एक डबल बॉन्ड होगा और पाँच ओएच OH ग्रुप होंगे वो भी ऐसा ही होगा बाकी बॉन्ड्स हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड होंगे वो भी सब में ऐसा ही होगा लेकिन ओएच OH कहां पर लगा हुआ है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इसके बेस पर आजम देखने को मिल सकता है तो जब कभी मुझे सेम कार्बन स्कल्टर सिस्टम के ऊपर फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट ओरिएंटेशन के हिसाब से अलग हो तो हम उस सारे तरह के आइजोमर्स को स्टीडियो आइजोम कहते हैं फर्दर ये भी कई तरह के होते हैं एंजाइम बट स्पेशल है सिस्टम यूजुअली रिकॉग्नाइज ओनली अ सिंगल स्पेसिफिक स्टीरियो आइजोमर्स जब भी कभी कोई ऑर्गेनिज्म दो आइजोमर दिखाएगा तो उनमें से एक को ही एंजाइम पहचानते हैं दूसरे को नहीं पहचानते फॉर एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज जो आपकी ग्लाइकोलोसिस का पहला एंजाइम है यह केवल डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को पहचानता है एल वाले ग्लूकोज को यह नहीं पहचानता सब कैटेगरी ऑफ स्टीरियो आजमर्स जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्टीरियो एक एक टर्म है तो इसकी एक छोटी कैटेगरी भी है इन्हें हम लोग एन एंशियोमर्स कहते हैं और एन असल में एक दूसरे की मिरर इमेज होती है आई होप uh, आप मिरर इमेज को पता नहीं जानते या नहीं जानते बट uh, इसके लिए मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ेगा मिरर इमेज समझाने के लिए सो so, आ जाओ आपने सामने अब मैं विजिबल हूं तुम्हें yes, sir. Okay. मैं मिरर इमेज की बात कर रहा हूँ तो जैसे मेरा ये हाथ है एक और एक हाथ है ये अगर मैं इस हाथ के इधर शीशा लगाता तो आप मेरे इस हाथ की इमेज इस शीशे में देख पाते हैं और वो इमेज ऐसी होती एग्रीड ऑन नॉट मैं कहूं कि ये है इमेज yes, और ये है ओरिजिनल हाथ तो ओरिएंटेशन जो होता है वो ऐसे होता अंगूठे अंगूठे आमने सामने होते और कन की उंगलियाँ पीछे होती हैं और बिल्कुल अपोजिट होता ये तो अब मिरर इमेजेस जिन्हें हम लोग बोलते हैं और जिनके हम इन इन आइजोमर्स की बात करते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सुपर इम्पोज नहीं होती यानी कि अगर मैं इन दोनों इमेज को एक दूसरे के ऊपर लाने की कोशिश करूं तो क्या एक इमेज ने दूसरी इमेज को पूरी तरीके से ढक लिया जैसे कि आगे वाले हाथ का अंगूठा ये है और पीछे वाले हाथ का अंगूठा ये है दोनों विजिबल है यानी आपको yes, sir. ये सुपर, yes, yes, सुपर इम्पोज नहीं हुआ तो ये कहानी है कि जहां पर मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज नहीं होती हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं इस चीज के अंदर और याद रखिएगा ये डायस्टीरियो डायस्ट्रियोर्स के सब टाइप्स हैं केवल वापस आ रहा हूं स्क्रीन शेयरड यस सर यस सर केजी बढ़िया थैंक यू ये तो मां ऐसे ऐसे चक्कर मेरा पेन गायब हो गया कोई चोरी तो नहीं कर गया चलो मिल गया तो जी इन्हें हम लोग एन आ, एन एनशियोमर्स कहते हैं और ये एक्चुअली मिरर इमेजेस हैं एक-दूसरे की अब मॉलिक्यूल दैट हैज मिरर इमेज वर्जन इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मुझे मिरर इमेजेस के वर्जन देखने को मिल जाए मतलब दो मॉलिक्यूल जो असल में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं हम उन्हें कारल मॉलिक्यूल कहेंगे और इन आइजोमर्स को हम लोग एन एंशियोमर्स कहेंगे व्हेन कार्बन इज बाउंड टू फोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिस इनहेरेंट असिमेट्रिक एग्जिस्ट अगर किसी कार्बन के पास चार बॉन्ड चार डिफरेंट ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हैं आर एक्स वाई जेड तो ये बीच वाला कार्बन पक्का एक कायरल कार्बन कहलाएगा ये पहचान भी है इसकी अब यहाँ पे इन्होंने कारन मोलिक्यूल का डायग्राम दे दिया हाथ तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ करके और यहाँ ये इमेज है तो इस कार्बन के जो चार बॉन्ड्स हैं वो चारों बॉन्ड चार अलग ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड है अब देखिए ये दोनों डायग्राम एक दूसरे की मिरर इमेज है एंड कैन नॉट बी सुपर तो बाकी इनका जो केमिकल कंपोजिशन है सेम है कार्बन डब्लू एक्स वाई जेड यही एटम्स हैं दोनों के अंदर तो ये दोनों एक दूसरे के एन एंशोमर हैं और ये टाइप ऑफ स्टीरियो इंस्टीरियोइमर्स हैं जब हम लोग मॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं जैसे हम लोग मॉलिक्यूल्स को जोड़ते भी हैं जब हम बायो मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो बायो मॉलिक्यूल केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल की स्टोरी नहीं है जैसे हमने पहले देखा था कि एटम्स जुड़ करके मॉलिक्यूल बनते हैं सेम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके बड़े बड़े पॉलीमर बनते हैं जनरली प्रकृति के अंदर जब आप कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स लिपिड्स आप जब इनको जुड़ते हुए देखोगे तो आप पाओगे कि हमेशा रिएक्शन होगी डिहाइड्रेशन जिस दौरान किसी एक का हाइड्रोजन किसी दूसरे का ओ ग्रुप जुड़ करके पानी बन के बाहर निकलेगा हमेशा जब पॉलीमर की सिंथेसिस होगी और जब कभी पॉलीमर टूटेगा तो ये हाइड्रोलिसिस होगा पानी का यूज डिहाइड्रेशन रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि वहां पानी बनता है तो बायोमोलिक्यूल्स के ओवरव्यू देख लेते हैं पहले जिन्हें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं उसमें एक क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल के रूप में है स्टार्च ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज के बने हुए हैं और ये एनर्जी स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पोटैटो है ग्लाइकोजन आपके लीवर के अंदर है आपके मसल्स में मिलता है सेलुलोज ये भी ग्लूकोज का बना हुआ है लेकिन ये स्ट्रक्चुरल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है कागज पेन आपका जो कॉटन के कपड़े होते हैं लकड़ियाँ कायटिन काइटिन में ग्लूकोज का मॉडिफाइड वर्जन अवेलेबल है और ये भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट में अवेलेबल है जैसे जो आपकी चीटियाँ होती हैं कीड़े मकोड़े उनका एग्जोस्ट सिस्टम क्रैब का शेल इसी का बना होता है न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स में दो तरह के मॉलिक्यूल आएंगे डीएनए और आरएनए जिनमें से एक आपका जीन का जीन के पार्ट लिए हुए मतलब डीएनए के खुद के पार्ट जो है जीन काम करते हैं और कुछ उसी के पार्ट जो उन जीन को रेगुलेट कराने में हेल्प करेंगे और कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जबकि आर में जनरली डीएनए की एक्सप्रस्ड फॉर्म है आर और आर कई तरह के हो सकते हैं ऐसे भी जो प्रोटीन कोड करते हैं और ऐसे भी जो प्रोटीन कोड नहीं करते फिर आती है प्रोटीन की क्लास तो प्रोटीन्स में दो तरह के प्रोटीन्स हमें देखने को मिलेंगे एक हैं फंक्शनल और एक हैं स्ट्रक्चरल दोनों ही तरह के प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड्स के बने होते हैं फंक्शनल प्रोटीन काम करेंगे जैसे कि मोटर प्रोटीन्स होते हैं या फिर एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स होते हैं या फिर समझो कि आपके एंजाइम्स या फिर ये ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होंगे जबकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपकी बॉडी को या सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे माइक्रोटिब्यूल्स ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं इंटरमीडिएट फिल्मेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं लेकिन काइनिन डाइनिन एफ वन पार्टिकल आपका हीमोग्लोबिन ये सब डिफरेंट काइंड के फंक्शन करते हैं लिपिड्स अब लिपिड्स के भी काफ़ी सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जैसे कि ट्राहसेल इसको फील करने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने घर में जाओ किचन के अंदर सरसों के तेल को कटोरी में रखो और कहो कि अच्छा बेटा तू है ट्राइग्लेसराइड और अगर वो समझ में ना आता हो तो अपनी जो कमर के पास जो तुम्हारी स्किन मोटी मोटी हो रखी है उसको पकड़ो और उससे पूछो अच्छा बेटा तू है ट्राइग्लसराइड्स हमारी बूढ़ी का जो फैट है वो यही है एनिमल फैट और जो ऑयल हम देखते हैं वो भी यही है जो हम बटर खाते हैं वो भी यही है ये बना हुआ है ग्लेस्ट्रोल और तीन फैटी एसिड्स का और ये एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम आता है बटर कॉर्न ऑयल साबुन जो साबुन आप इस्तेमाल करते हो तेल के दाग हटाने के लिए वो भी तेल की बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स जो आपके मेमरन बनाएंगे प्रोस्टाग्लांडिस् अभी अभी या कल परसों की तो बात थी कौन सा दिन था वो वेलेंटाइंस डे एंड सो कॉल्ड पता नहीं कितनी सारी मतलब खबरें आती हैं कि भाई कुछ की कहानी अच्छी बनी और कुछ की कहानियाँ टूट गई बेचारों की तो उस टाइम प्रोस्टाग्लांडिन का बहुत बड़ा रोल है जो वो दर्द का एहसास होता है ना वो प्रोस्टाग आंधी नहीं कराते हैं ये भी मेमरे लगे हुए लिपिड्स हैं एरेक्टोडोग एसिड नाम का एक लिपिड होता है उसी को मॉडिफाइड होकर के जब भी कभी चोट पहुँचती है ना कहीं भी चोट पहुँचे चाहे दिल पर चाहे दिमाग पे चाहे कहीं स्किन पर किसी भी तरीके से हर चोट में ये मोलिक्यूल्स हैं जो निकल करके आते हैं इन्हें हम लोग सही माने में लिकोट्राइंस के रूप में भी जानते हैं और ये हैं जो हमारी पूरी बॉडी को पेन की सेंसेशन देते हैं स्टीरोइड्स स्टीरोड्स कहते हैं भाई कभी नहीं खाना चाहिए बड़े खतरनाक होते हैं बट हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं हमारी बॉडी में अगर स्टीरोड ना होंगे तो हम कुछ नहीं होने के हमारे पैदा होने के साथ ही स्टीरोड अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं लड़कों को लड़का लड़कियों को लड़की ये बनाते हैं इसके अलावा आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ तक कि आपके बोन के डेवलपमेंट में आपकी मैच्योरिटी में मतलब इनके बिना हम लोग नॉर्मल डेवलपमेंट भी अचीव नहीं कर सकते बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये इनग्रेडियंट्स भी हैं कुछ और चीज़ों को बनाने के लिए टर्पिन्स टर्पिन्स लॉन्ग कार्बन चैंस हैं कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं है लेकिन असल में ये बहुत कुछ है टर्पिन की क्लास बहुत बड़ी है और आपके वाइटामस तक निकल करके आते हैं इन्हीं टर्पिन्स से ये सब लिपिड के अंदर थे तो ये एक ओवरव्यू है कि जिन बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करने वाले हैं वो हैं क्या हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे ज़्यादातर जैसे स्टार्च की अगर मैं बात करूँ तो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनते बनाने के लिए जो सिंपल यूनिट है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड जो क्रोमोजोम में अवेलेबल है क्रोमोजोम केवल डी नहीं होता है क्रोमोजोम में होता है डी प्लस स्टोन प्लस आर प्लस बहुत सारे और दूसरे प्रोटीन्स जिन्हें हमने धीरे धीरे करेक्टराइज करना शुरू किया तो यहाँ जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और वो बना होता है न्यूक्लोटाइड्स का सिमिलरली प्रोटीन जैसे कि इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स ये बना आप ओलिपैप्टाइड का और पेप्टाइट बनी हुई है एक अमीनो एसिड की लिपिड्स आपके अल्टीमेटली फैटी एसिड्स और एल्काहल्स के बने होते हैं तो पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट से निपट लेते हैं देखिए हमारी लाइफ शुरुआत से ऐसी नहीं है जैसी आज है भाई आज तो तुम सब लोग अपने मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठे हो थोड़ी देर पहले तो इसी मोबाइल पर गप्पे मार रहे थे पढ़ाई की बात कर रहे हो ये भी हम ही हैं हमारे पूर्वज तो उस टाइम जब मैं ये बात कर रहा हूँ ये टाइम है लगभग मान लीजिए पंद्रह लाख साल पुराना तो तब तक जो वानर था उसका साइज बढ़ चुका था तीन डिफरेंट साइज अवेलेबल थे उनमें से दो साइज आज भी अवेलेबल हैं एक गायब हो चुका है तो इस टाइम तक हम टिपिकल जंगली जानवर थे मारो खाओ यहाँ तक कि हम लोग फल फ्रूट भी खाया करते थे हमारी लाइफ में तरक्की तब आनी शुरू हुई है जब हमने आग लगानी सीखी आग तो तुम आज भी लगाते हो लोगों के बीच में मैं उस आग की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इस वाली आग की जब ये आग हमने लगानी सीखी तब से हमारी लाइफ इंप्रूव होना शुरू हुई हमने खाने को पकाना सीख लिया और कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो प्रोटीन्स भून करके हमने खाया मांस के रूप में उस प्रोटीन ने हमारे दिमाग की एक्टिविटीज को तेज किया कुछ लोगों का यही मानना है कि क्योंकि अब आराम से जल्दी से पचाने वाला खाना हम लोग यूज़ कर रहे थे जिसे पचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो ना तो हमारे पास हमारी बॉडी के पास एक्स्ट्रा टाइम था इवॉल्व करने का आग को सीखना आग को यूज़ करना सीखना ये सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट में से एक था ह्यूमन सिविलाइजेशन का यही है जिसने सिविलाइजेशन की नींव रखी है कार्बोहाइड्रेट यहाँ भी है अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बोहाइड्रेट आपको दिख रहे होंगे लकड़ी के रूप में इस लकड़ी को जला करके कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी का पहला इस्तेमाल करना शुरू किया होगा इंसान ने अपनी बॉडी के बाहर अंदर तो पहले से कर रहा था वो लेकिन कार्बोहाइड्रेट ने हमारी बॉडी को बहुत और हमारी दुनिया को भी बहुत रूप में बदला है कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में देखिए एक ओएच ग्रुप का होना कंपलसरी है कम से कम एक ओएच ग्रुप तो होना चाहिए और यहां पर एक सी डबल बॉन्ड ओ का भी होना बहुत जरूरी है अब चाहे ये सी डबल बॉन्ड ओ एल डी रूप में हो चाहे कीटोनिक रूप में फॉर फ एग्जाम्पल ग्लिस्ट्रल डी सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है तीन कार्बन का इसमें दो ओ OH एच है और एक सी डबल बॉन्ड ओ है लेकिन यहां सी डबल बॉन्ड ओ को अगर हम नोटिस करें तो इस पर एक तरफ तो ये पूरा का पूरा स्कॉर्टर सिस्टम लगा हुआ है कंप्लीट ओ OH ग्रुप वाला और दूसरे बॉन्ड पर केवल एक अकेला हाइड्रोजन है इसे हम लोग आर सी डबल बॉन्ड ओ एच इस कैटेगरी में फिट कर सकते हैं जनरल फॉर्मले के सेंस में और यह है एल पांच कार्बन के शुगर राइबोस और डी राइबोस आप बच्चों की तरह जानते होंगे आरएनए और डीएनए बनाने में काम आते हैं छह कार्बन के शुगर ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बहुत सारी एनर्जीज वाली कहानी में इन्वॉल्व है ये कह लो कि हमारी पूरी कार्बन इसी के इर्द गिर्द घूमता है गुकोज के और हमारा नहीं केवल पेड़ पौधों का बैक्टीरिया का जितने भी तरह के लिविंग सिस्टम है उन सबका मेटाबॉलिज्म इसी ग्लूकोज के इर्द गिर्द घूमता रहता है बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है कि आपकी बॉडी की विस्कोसिटी भी ये मेंटेन करता है गैलेक्टोज ही बहुत काम आता है लेकिन गैलेक्टोज सही माने में मेम्ब्रेन लिपिड्स पर ऐड होकर के बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है